नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम, नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो थ्योरम मैंने आपको कराई थी लास्ट लेक्चर में और हम सिक्स थ्योरम तक कर चुके थे। आइए थ्योरम नंबर सेवन पर चलते हैं। तो थ्योरम नंबर सेवन, देखो थ्योरम नंबर सेवन क्या है। थ्योरम नंबर सेवन का स्टेटमेंट मैं लिखता हूँ, फिर उसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूँ, आपको ऐसे लर्न नहीं रखना कि थ्योरम नंबर सेवन कौन सी है, आपको ऐसे नहीं पूछा जाएगा। ये नंबर तो अलग अलग बुक में अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो थ्योरम नंबर सेवन का स्टेटमेंट दे सकता है, फिर प्रूफ पूछ सकता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट देखो क्या है, सुने ध्यान से। इफ मीडियंस आप समझते हैं, मैंने बताया था माध्यिका बोलते हैं, और टेंथ क्लास में आप माध्यिका मीडियंस पढ़ के आए होंगे, माध्यिका क्या होती है, ठीक है। तो इफ, बल्कि ऐसे कहो, इफ टू मीडियंस यानी दो माध्यिका जो होती हैं। देखो पहले लिखने से पहले मैं आपको समझा ही दूँ, है ना, कि मैं सिद्ध क्या करना है हमें, और वो जो डायग्राम बनाना हूँ मैं, ये आप प्रूफ में बनाएंगे। तो चलो पहले मैं आपको डायग्राम के माध्यम से इसका स्टेटमेंट ही समझा दूँ, फिर आप स्टेटमेंट भी खुद समझ सकते हैं कि क्या कह रहा है। देखो एक ट्राइंगल बनाना है, और ट्राइंगल कैसा होना चाहिए, आइसोसेल्स, है ना, मैंने बताया था आपको, जिसे आप कहते हैं सम द्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं कैसी हों, समान हों, ठीक है जी, इस तरीके से। ये सम द्विबाहु आइसोसेल्स ट्राइंगल है, जिसे आप सम द्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो देखो क्या है, एक शर्त है कि कोई भी त्रिभुज केवल तभी आइसोसेल्स हो सकता है, मतलब तभी समद्विबाहु हो सकता है, जब उसकी दो माध्यिकाएं, कोई दो माध्यिकाएं इक्वल हों, जब उसकी कोई दो मीडियंस कैसी हों, इक्वल हों। और मीडियंस आप जानते हैं, मीडियंस यानी जो साम है ना, वर्टेक्स से आके गिरती है, परपेंडिकुलर, सामने वाली भुजा पर, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगी। इसकी माध्यिका बी से इस पर गिरी, और इसकी माध्यिका इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है जी। तो ये जो कहलाती हैं, ये जो आप है ना वर्टेक्स से इंसिडेंट कराते हो, वर्टेक्स से डालते हो, इसे क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये कोई समद्विबाहु त्रिभुज था, आइसोसेल्स त्रिभुज है। तो देखो थ्योरम क्या है, थ्योरम ये कहती है कि यदि किसी ट्राइंगल की कोई दो मीडियंस यानी माध्यिका कैसी हो, सेम हो, तो जो ट्राइंगल होगा ना, वो ट्राइंगल होगा आइसोसेल्स, ठीक है। यानी ट्राइंगल कैसा होगा, ट्राइंगल होगा, त्रिभुज कैसा होगा, समद्विबाहु। तो इफ टू मीडियन, है ना, यदि दो माध्यिकाएं, इफ टू मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल की, इफ टू मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल, मैंने कहा आर सेम या आर इक्वल, कैसी हैं, सेम हैं। तो देखो क्या होगा, यदि दो किसी ट्राइंगल की दो माध्यिकाएं समान हैं, तो वो त्रिभुज कैसा होगा, समद्विबाहु। तो देखो ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल कैसा होगा, इज आइसोसेल्स, समद्विबाहु होगा, ठीक है। समद्विबाहु यानी आइसोसेल्स मैंने बताया था आपको, नाम से क्लियर हो रहा है हिंदी में तो, ठीक है, यानी जिसकी कोई दो भुजाएं समान हों, इक्वल हों, ठीक है। तो ये आपको सिद्ध करना है। देखो कहने का मतलब है, ये जो मैंने लिखा है ना, यदि आप इसे देखना चाहते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है और दिया हुआ क्या है, जैसे ये आप डायग्राम देख सकते हो, तो इस डायग्राम के आधार पर मैं आपको बता दूं कि आपको प्रूफ क्या करना है और गिवन क्या है। देखो जो आपको गिवन है, गिवन है इफ टू मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, किसी ट्राइंगल की दो मीडियन, दो माध्यिकाएं कैसी हैं, समान हैं। तो दो माध्यिकाएं, इसका नाम एम रख लो, इस पॉइंट का नाम एन रख लो। तो दो माध्यिकाएं, एक तो बी एन है, बी एम है, और दूसरी माध्यिका, दूसरी मीडियन क्या है, सी एन। तो दो माध्यिकाएं कैसी हैं, दो मीडियन कैसी हैं, सेम है, ठीक है, क्लियर है आपको, दोनों मीडियन कैसी हैं, सेम है, ये गिवन है। और आपको जो प्रूव करना है, टू प्रूव, प्रूव ये करना है कि जो ट्राइंगल है वो कैसा आइसोसेल्स है, यानी त्रिभुज समद्विबाहु है, और समद्विबाहु आइसोसेल्स तब होगा जब ए बी किसके बराबर होगा, ए सी के।
तो यानी आपको सिद्ध ये करना है कि ए बी किसके बराबर आना चाहिए, ए सी के बराबर आना चाहिए। ठीक है, ये गिवन है, दिया हुआ है और ये सिद्ध करना है। यानी दो भुजाएं इक्वल आ गई ए बी और ए सी, तो सिद्ध हो जाएगा कि ट्राइंगल आइसोसेल्स है, यानी समद्विबाहु है त्रिभुज। ठीक है, और दो मीडियंस यानी दो माध्यिकाएं जो बनाई हैं वो दोनों कैसे दी हुई हैं, मतलब इक्वल दी हुई हैं, सेम दी हुई हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? आओ इसे करते हैं। बी एम बराबर किसके दे रखा है, सी एन के। तो अब हमें एक काम करना है, पहले वैक्टर बी एम निकाल दो, फिर वैक्टर सी एन निकाल दो, फिर करेंगे कुछ, है ना। तो देखो वैक्टर बी एम, वैक्टर बी एम ये वाला है ना, तो ट्राइंगल कौन से वाला लो, इन ट्राइंगल ये वाला बी ए एम, बी ए एम। देखो इसमें वेक्टर ट्राइंगल ला लगा हुआ है ना, फ्रॉम, ठीक है, वेक्टर ट्राइंगल ला, बल्कि ऐसे लिखो फ्रॉम वेक्टर ट्राइंगल ला, है ना, वेक्टर ट्राइंगल ला, क्योंकि दो दोनों ट्राइंगल्स में लगाना पड़ेगा, बी एम निकालने के लिए भी, सी एन निकालने के लिए भी। तो ऐसे लिखते हैं फ्रॉम वेक्टर ट्राइंगल ला, यानी आप वेक्टर ट्राइंगल ला की हेल्प ले रहे हैं, जिसे मैंने आपको बताया था सदिश त्रिभुज नियम। तो फ्रॉम वेक्टर ट्राइंगल ला सदिश त्रिभुज नियम की आप हेल्प लेंगे, और पहले किस ट्राइंगल में, पहले इस ट्राइंगल में, क्योंकि आपको बी एम निकालना है फिर सी एन निकालना है, तो बी एम निकालने के लिए है ना, इस ट्राइंगल में बी ए एम में, इन ट्राइंगल बी ए एम, इसमें लगाओ। देखो देखो मान लो बी एम हमें निकालना है, तो एक रास्ता है बी से एम पर जाने का, मान लो हमें कहाँ जाना है एम पर, तो एक रास्ता है बी से आप कहाँ चले जाओ, एम पर, और दूसरा रास्ता है बी से ए पर जाओ और ए से एम पर चले जाओ। एक रास्ता बी से एम पर जाओ, फिर दूसरा रास्ता बी से ए पर जाओ वेक्टर बी ए, और प्लस ए से कहाँ पर जाओ, एम पर, है ना, इस तरीके से है। ठीक है, बात समझ में आई आपको? देखो वेक्टर बी एम बराबर, ये जो वेक्टर बी ए है इसे पलट के लिख लो, वेक्टर माइनस माइनस ऑफ वेक्टर ए बी, लिख सकते हैं ना, बताया था मैंने ऐसे पलटते हैं ना तो माइनस आ जाता है बाहर। और ये ए एम है, आप देखो ए एम जो है वेक्टर ए सी का आधा है या नहीं, है ना, ए एम जो है वेक्टर ए सी का कैसा है, आधा है। तो इसे आप लिखो वेक्टर ए सी अपॉन टू, ठीक है, तो वेक्टर बी एम आपका आ गया है। कोई यहाँ तक दिख रहा है आपको? ठीक है जी, चलो यहाँ तक दिख रहा है आपको, उधर ले देता हूँ फिर। अब देखो अब क्या करना है, वेक्टर बी एम कितना आया आपका, वेक्टर बी एम आया आपका, इसे पहले लिख लो वेक्टर ए सी अपॉन टू और माइनस के वेक्टर ए बी, तो वेक्टर बी एम निकाल दिया। इसी प्रकार आप क्या निकालो, वेक्टर सी एन, तो वेक्टर सी एन बराबर कितना हो जाएगा, यानी फिर वेक्टर ट्राइंगल ला लगाना पड़ेगा, तो किस ट्राइंगल में लगाएंगे वो लिख दो। ठीक है, आपको निकालना है सी एन, तो ये वाला ट्राइंगल लेंगे सी एन ए या सी ए एन, ठीक है, तो इन ट्राइंगल सी ए एन लगाओ। देखो सी से एन पर जाना है क्योंकि सी एन निकालना है, एन पर जाना है तो सी से एन पर चले जाएंगे एक रास्ता, और दूसरा रास्ता है देखो कौन सा, कि सी से आप ए पर जाओ और ए से एन पर जाओ। ठीक है, सी से ए पर जाओ और ए से एन पर जाओ, तो सी टू ए प्लस ए टू एन। ठीक है, वेक्टर ट्राइंगल मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसमें भी ऐसे ही करो, जो सी एन है निकालना है आपको, तो सी ए को क्या लिखो, माइनस ऑफ वेक्टर ए सी, और जो ए एन है, ए एन जो है वेक्टर ए बी का कैसा है, आधा, तो वेक्टर ए बी का कैसा है ये, आधा। ठीक है, तो वेक्टर सी एन कितना आएगा, ये आएगा वेक्टर ए बी अपॉन और माइनस का वेक्टर ए सी। तो आपने वेक्टर बी एम भी निकाल दिया, वेक्टर सी एन भी निकाल दिया, आओ करते हैं आगे, फिर इसकी हेल्प लेंगे जो गिवन है और ये प्रूफ करना है हमें। तो देखो बी है, जो गिवन है उसकी हेल्प लो, हमें पता है कि जो बी एम है वो किसके बराबर है, सी एन के, बी एम किसके बराबर है, सी एन के। ठीक है जी, तो एक काम करो दोनों तरफ का स्क्वायर करो, तो बी एम का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा सी एन का स्क्वायर। ठीक है जी, अब मैंने बता रखा है कि देखो क्या बता रखा है, ध्यान दो, मैंने कहा था आपसे किसी भी वेक्टर का स्क्वायर हो या उसके मॉडुलस का स्क्वायर हो, ठीक है, एक ही बात होती है, और जब मॉडुलस लगता है तो वेक्टर का निशान हट जाता है, ये फॉर्मूला है। तो आप इसे लिख सकते हो, वेक्टर नहीं है इस पर, तो वेक्टर लगा के लिख सकते हो,
आप लिख सकते हो वेक्टर बी एम का स्क्वायर, इसे लिख सकते हो आप वेक्टर सी एन का स्क्वायर। ठीक है जी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, या आप ऐसे है तो ऐसे लिख सकते हो, कैसे कर लो आप, है ना, मॉडुलस लगा के लिख लो। ठीक है, हमें सिद्ध करना है बस। चलो मॉडुलस लगा लो, तो आपको पता है मॉडुलस लगाते हैं तो वेक्टर भी लगा देते हैं अंदर, है ना, क्योंकि मॉडुलस लगते ही वेक्टर का निशान हट जाता है। यानी मॉडुलस लगाएंगे तो फिर आप कौन से फॉर्मूले को यूज कर रहे हो, ये वाला देखो, मैं साइड में लिख देता हूँ कि किसी भी वेक्टर का मॉडुलस लेते हैं तो वेक्टर हट जाता है। तो ये जो है ना दोनों बराबर होते हैं, तो सी एन को आप, है ना, मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी एन लिख सकते हो, बी एम को आप मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी एम लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। और वेक्टर बी एम की वैल्यू रखो, ये रही, क्या जाएगा मॉडुलस के भीतर, वेक्टर ए सी और अपॉन टू माइनस वेक्टर ए बी, मॉडुलस इसका क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, और इधर देखो वेक्टर सी एन की वैल्यू रखो, ये रही, वेक्टर ए बी और अपॉन टू और माइनस का है वेक्टर ए सी स्क्वायर है। ठीक है, तो अब दोनों तरफ जो होल स्क्वायर है ना, इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे। चलो देखो होल स्क्वायर ओपन करेंगे कैसे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो मॉडुलस ऑफ, है ना, वेक्टर ए सी अपॉन टू का होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी का स्क्वायर, क्लियर है, और माइनस टू वेक्टर ए सी, ये जो वन बाय, देखो वेक्टर ए सी अपॉन टू और बीच में डॉट आएगा, है ना, इन टू को मत दिखाओ, डॉट दिखा लो, डॉट वेक्टर ए बी। ठीक है जी, और ये तो पहले वाले का हुआ और बराबर में दूसरे वाले के लिए, तो बराबर में दूसरे वाले के लिए है तो क्या जाएगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी का, ए बी बट अपॉन टू का होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए सी का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस आएगा माइनस के टू, यहाँ मॉडुलस नहीं आता है, वेक्टर ए बी अपॉन टू डॉट वेक्टर ए सी। ठीक है जी, क्लियर है आपको। चलो आपको सिद्ध करना है कि ए बी बराबर किसके हैं, ए सी के बराबर हैं। अब देखो एक काम करो, यहाँ पे आप देखिएगा, देखो मॉडुलस लग रहा है, तो मॉडुलस लग रहा है तो वेक्टर हट जाएगा, तो इसे आप सिंपली लिख सकते हो ए सी का स्क्वायर अपॉन टू का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर भी अलग अलग कर लिया, तो ए सी का स्क्वायर अपॉन टू का स्क्वायर फोर, इसे आप लिख सकते हो सिंपली ए बी का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, माइनस, क्योंकि ये मॉडुलस के अंदर के वेक्टर हटाने पड़ेंगे क्योंकि हमें तो ऐसा लाना है ना ए बी और ए सी, तो अब ए बी ए सी बन गए हैं, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। और देखो देखो टू से तो टू कट जाएगा, इधर भी, तो ये बचेगा ए सी डॉट ए बी, कितना बच रहा है, वेक्टर ए सी डॉट वेक्टर ए बी, और बराबर में देखो देखो इसे भी आप लिख सकते हो ए बी का स्क्वायर अपॉन फोर प्लस ए सी का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस में ये रहेगा, माइनस का टू, टू से टू कट जाएगा, वेक्टर ए बी डॉट ए सी को पलट के लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, वेक्टर ए सी डॉट वेक्टर ए बी। ठीक है, क्योंकि मैंने बता रखा है स्केलर प्रोडक्ट कैसी होती है, कम्यूटेटिव होती है, यानी उनको स्थान को बदल दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है स्केलर प्रोडक्ट में, तो आप ए डॉट बी को बी डॉट ए बी लिख सकते हो, तो ए बी डॉट ए सी को आपने ए सी डॉट ए बी लिख लिया, तो इससे क्या होगा, ये वाली टर्म कट जाएगी। ठीक है जी, अब बस अब तो बहुत आसान हो गया ये, ए बी वाले एक तरफ ले आओ, तो ए बी इसको ए बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी का, मतलब ए बी का होल स्क्वायर नहीं, ए बी स्क्वायर का होगा, इधर ले आए और ये जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अपॉन फोर, ये वाला उधर चला गया, तो देखो चार में से एक गया तीन, तो थ्री अपॉन फोर ए बी का स्क्वायर और ये बचा थ्री अपॉन फोर ए सी का स्क्वायर, थ्री अपॉन फोर से थ्री अपॉन फोर कटा, स्क्वायर से स्क्वायर कटा, तो ए बी किसके बराबर आया, ए सी के, ए बी किसके बराबर आया, ए सी के। और देखो यही तो सिद्ध करना था आपको, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, हैंस करके लिख देना। ठीक है, हैंस ट्रायंगल, देखो दो भुजाएं समान हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। ठीक है, दो साइड दो एज इक्वल हैं तो ट्रायंगल कौन सा हुआ, आइसोसेल्स ट्रायंगल हुआ। ठीक है, तो हैंस प्रूव्ड लिख देना बस, ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट तो लिखा हुआ है, बाकी आप हैंस करके भी लिख सकते हो, हैंस ट्रायंगल इज बिकॉज
टू एज्स आर सेम, ठीक है, सो ट्राइंगल इज आइसोसेल्स, त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु है। तो बहुत आसान बनाने की मैंने कोशिश की है, ठीक है, करो इसे नोट, फिर नेक्स्ट थ्योरम पर चलते हैं, इस थ्योरम को आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। आइए उसके बाद चलते हैं थ्योरम नंबर 8 पर, ठीक है, थ्योरम नंबर 8, सेवन थ्योरम आपको समझ में आ गई होगी। चलो देखो थ्योरम नंबर क्या कहता है, ये कह रहा है प्रूव दैट, ये प्रूव बाय वेक्टर मेथड, वेक्टर मेथड के द्वारा, सदिश विधि के द्वारा आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, देखो एल्टीट्यूड्स होता है ऊंचाइयाँ, एल्टीट्यूड माने ऊंचाई, तो एल्टीट्यूड्स क्या हो जाएंगे, ऊंचाइयाँ किसकी, किसी त्रिभुज की, एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है, जो ट्राइंगल की ऊंचाइयाँ हैं कैसे हैं बताऊंगा अभी, वो कैसी होती हैं, आर कनकरंट, कनकरंट का अर्थ देखो क्या होता है, इसका मीन्स होता है समवर्ती, ठीक है, क्या अर्थ है इसका, समवर्ती यानी एक जैसा व्यवहार करने वाली हैं, यानी एक जैसी हैं, ठीक है, सभी ऊंचाइयां त्रिभुज की कैसी होती हैं, एक जैसी होती हैं, जैसे जो बात एक के लिए है वही दूसरे के लिए है, ठीक है, तीन ऊंचाइयां होती हैं, कैसे होती हैं देखो, मतलब शीर्षों से जो माध्यिका डाली जाती है उसे ऊंचाई कहते हैं, ठीक है, शीर्षों से जो वर्टेक्स से जो मीडियन इंसिडेंट की जाती है, ठीक है, तो तीन ऊंचाइयां हैं, तीनों ही कनकरंट हैं, यानी कैसी हैं, समवर्ती हैं, यानी कि एक जैसी हैं, ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है वेक्टर मेथड के द्वारा, तो लिखो प्रूफ। चलो देखो एक ट्राइंगल बना लो, ठीक है जी, ए बी सी, ठीक है, चलो एक तो ऊंचाई ये हो जाएगी एल्टीट्यूड, क्लियर है, डी मान सकते हो, एक ये हो जाएगी ई मान सकते हो, ठीक है, और एक ये हो जाएगी, इसे आप एफ मान सकते हो, ठीक है। चलो देखो अब हमें सिद्ध करना है, तीनों यहाँ पे हैं, काट रही हैं, तो इसे आप ओरिजिन मान सकते हो, मूल बिंदु मान सकते हो, ठीक है, क्लियर है। अब देखो आपको सिद्ध ये करना है, तीन माध्यिकाएं हैं, ये तीन ऊंचाइयां हैं, एक तो ए डी और एक बी ई और एक सी एफ, तीनों कैसी हैं, एक जैसी हैं, ये आपको सिद्ध करना है, यानी समवर्ती हैं, यानी कनकरंट हैं, क्लियर है। तीनों एल्टीट्यूड्स कैसे हैं, कनकरंट हैं, यानी तीनों माध्यिकाएं, तीनों ऊंचाइयां कैसी हैं, समवर्ती हैं। तो इसके लिए आप देखो क्या करेंगे, किन्हीं दो को समवर्ती कनकरंट्स मान के चलेंगे, ठीक है, ऐसा मान के चलेंगे कोई दो एक जैसी हैं, तो तीसरी भी यदि ऐसी आ जाए सिद्ध हो जाएगा कि सभी ऊंचाइयां, सभी एल्टीट्यूड्स एक जैसे होते हैं, दो को मान के चलो, तीसरे को सिद्ध कर दो, ठीक है, क्योंकि एक की हेल्प से तो होगा नहीं, तो दो की हेल्प से आप करो और तीसरे के लिए भी वही बात आ जाए जो बाकी दोनों के लिए है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये सिद्ध हो जाएगा, तीनों ऊंचाइयां, तीनों एल्टीट्यूड्स कैसे हैं, कनकरंट है, यानी क्या बोलेंगे, समवर्ती हैं, ठीक है, मतलब एक जैसे व्यवहार वाले हैं ना, जैसी जो बात दो के लिए है वही तीसरे के लिए भी होनी चाहिए, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। देखो जो पॉइंट ए है उसका पोजिशन वैक्टर मान लो वैक्टर ए, जो पॉइंट बी है उसका पोजिशन वेक्टर मान लो वेक्टर बी, और जो पॉइंट सी है उसका पोजिशन वेक्टर मान लो वेक्टर सी। तो यहाँ से आप देख सकते हो वेक्टर ओ ए कितना है, वेक्टर ए, वेक्टर ओ बी कितना है, वेक्टर बी, और वेक्टर ओ सी कितना है, वेक्टर सी, ठीक है, यहाँ तक कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अब आप देखो एक बात आपको समझ में आ रही है, हम किन्हीं दो के लिए लेके चलेंगे और तीसरे के लिए भी वही बात सिद्ध कर देंगे, तो किन्हीं दो के लिए किसके लिए लेके चलें, एक तो इसके लिए ले लो एडी के लिए, है ना, तो एडी के लिए हमें जरूरत पड़ेगी बीसी की, ठीक है, तो आप बीसी निकाल लो पहले, वेक्टर बीसी, ठीक है, वेक्टर बीसी कैसे निकलेगा, वेक्टर बीसी कैसे निकलेगा आपको पता है, वेक्टर ओसी माइनस वेक्टर ओबी, ये बात तो मैंने बता रखी है आपको, वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ बी, वेक्टर ओ सी कितना है, ये रहा, ये आ जाएगा वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी। अब देखो एक तो इसके लिए मान के चलेंगे, एक इसके लिए मान लो,
मैंने ए डी और बी ई के लिए जो बात है वो मान के चलेंगे कि दोनों के लिए सेम है, और सी एफ के लिए वो बात सिद्ध कर देंगे कि उसके लिए भी ऐसा ही है। तो किसके लिए? बी ई के लिए। तो बी ई के लिए यानी आपको सी ए की ज़रूरत भी पड़ेगी, बी सी के साथ साथ आपको सी ए की ज़रूरत भी पड़ेगी। ठीक है, बी सी निकाला आपने। अब इसी प्रकार आप, है ना, वेक्टर बी सी क्यों निकाला था? क्योंकि ए डी किससे संबंधित है? बी सी से। अब इसी प्रकार आप बी ई के लिए निकालोगे, तो बी बी ई जो है वो किससे संबंधित है? सी ए से। तो इसी प्रकार आप क्या निकालो? वेक्टर सी ए। तो कैसे हो जाएगा? वेक्टर जो बाद में है वो पहले आता है, वेक्टर ओ ए माइनस वेक्टर ओ सी, जो पहले है वो बाद में आता है। वेक्टर ओ ए कितना है? वेक्टर ए। और वेक्टर ओ सी कितना है? वेक्टर सी। ठीक है, तो मैंने बताया आप इन दो के लिए मान के चलेंगे, एक तो इसके लिए जो ए डी है और एक इसके लिए जो बी ई है, और जो इन दोनों के लिए बात है वही आप इसके लिए लेके आएंगे सी एफ के लिए। तो आपकी थ्योरम क्या हो जाएगी? प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, और इन दोनों के लिए क्या बात है वो देखते हैं। देखो, एक बात इन दोनों के लिए दिख रही है आपको, आप देख सकते हो, जैसे ये जो ए डी है इसके लिए क्या बात है कि जो ए डी है ना वो बी सी पर क्या है? परपेंडिकुलर है, लंब है। ठीक है, तो जो ए डी है वो बी सी पर क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, क्लियर है? इसका मतलब है दोनों की डॉट प्रोडक्ट कैसी होगी? जीरो। लेकिन आपके पास वेक्टर ए डी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास वेक्टर ओ ए तो है। तो आप एक काम करो, वेक्टर ओ ए और वेक्टर दूसरा कौन सा है? वेक्टर बी सी, ये तो निकाल दिया आपने। वेक्टर बी सी दोनों की डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर रख दो? जीरो के। ठीक है, वेक्टर बी सी और वेक्टर ए डी लंबवत है ना, और वेक्टर ए डी का जो वेक्टर है, वेक्टर ए डी में देखो पूरा ना लेके आधा ले दो, तो वो कौन सा वेक्टर है? वेक्टर ओ ए। ठीक है, यानी वेक्टर ए। तो वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ ए ये वाला और वेक्टर बी सी ये वाला दोनों कैसे एक दूसरे के लंबवत हैं, क्योंकि ए डी का ही तो पार्ट है ओ ए भी। तो देखो ओ ए की वैल्यू क्या है? वेक्टर ए। बी सी की वैल्यू क्या है? वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी, और बराबर क्या आएगा? जीरो। तो यहाँ से देखो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर जीरो। ये बात आपने किसके लिए की? ए डी के लिए। अब यही बात आप किसके लिए करो? बी ई के लिए। तो आप देखेंगे जो बी ई है वो भी परपेंडिकुलर है, बी ई जो है ये भी परपेंडिकुलर है किसके? सी ए के। सी ए तो आपने निकाल रखा है, सी ए के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है बी ई का जो वेक्टर है, बी ई का वेक्टर कौन सा है? वेक्टर ओ बी। तो जो वेक्टर ओ बी है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना, किसके? वेक्टर सी ए के। तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या होगी? जीरो, है ना, बिल्कुल इसी की तरह। तो वेक्टर ओ बी जो वेक्टर बी ई का, वो बी ई का जो भाग है, वेक्टर है उसका क्या है? वेक्टर ओ बी। तो वेक्टर ओ बी किस पर परपेंडिकुलर है? किस पर परपेंडिकुलर है? वेक्टर सी ए पर। दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या होगी? जीरो। मैंने बताया कोई भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होती है? जीरो। ठीक है, तो वेक्टर ओ बी की वैल्यू रखो वेक्टर बी, और वेक्टर सी ए की वैल्यू रखो, सी ए तो निकाल रखा है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी, और बराबर क्या आएगा? जीरो। तो आएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, और बराबर जीरो। इक्वेशन सेकंड। ठीक है जी, तो देखो अब दोनों इन एल्टीट्यूड्स के लिए, इन दोनों माध्यिकाओं के लिए, इन दोनों ऊंचाइयों के लिए एक बात है, ठीक है, और कौन सी बात है वो? कि ये जो दोनों हैं, है ना, जैसे ये ए डी है ये बी सी पर परपेंडिकुलर है, और ये जो बी ई है वो सी ए पर परपेंडिकुलर है। तो इसी प्रकार हमें ये सिद्ध करना है कि वो जो सी एफ होगा ना वो ए बी पर कैसा होगा, या बी ए पर परपेंडिकुलर होगा। ये बात आपको सिद्ध करनी है। तो दो के लिए आप मान के चलो, तीसरे के लिए सिद्ध कर दो, तो आपकी थ्योरम क्या हो जाएगी? प्रूफ हो जाएगी। तीनों समवर्ती हो जाएंगे, तीनों कनकरंट हो जाएंगे, तीनों की नेचर एक जैसी हो जाएगी, तीनों एक जैसे व्यवहार वाले हो जाएंगे, क्योंकि तीनों के लिए एक ही बात हो जाएगी कि तीनों जो ऊंचाइयां हैं अपने आधार पर, बेस पर कैसी हैं? परपेंडिकुलर हैं, लंब हैं। ठीक है, तो देखो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। ठीक है जी, तो दोनों को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को। तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड वी हैव या वी गेट, है ना, देखो क्या मिलेगा, ऐड करो तो आप देखेंगे। चलो एक बार लिख देते हैं,
वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। और ये दोनों किसके बराबर आएगा, जीरो प्लस जीरो तो जीरो हो जाएगा। आप जानते हो एक बात कि वेक्टर ए डॉट बी बराबर किसके होता है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के, ठीक है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और इसकी जगह क्या लिख दो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, क्योंकि पलट के लिख सकते हैं। तो बराबर कितना है, जीरो के, ये वाले कट जाएंगे। तो आप देखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी और बराबर जीरो। देखो कुछ कॉमन आ रहा है, सी कॉमन आ रहा है, तो वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर जीरो। वेक्टर सी कौन सा है, वेक्टर ओ सी देखो जाए। और वेक्टर ए माइनस बी कौन सा है, ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी देखेंगे कौन सा है। देखो वेक्टर ए कौन सा है, वेक्टर ए आपको पता है वेक्टर ओ ए हो जाएगा, है ना, लिखा तो है इधर वेक्टर ओ ए। और वेक्टर बी कौन सा है, वेक्टर ओ बी बराबर जीरो। तो वेक्टर ओ सी डॉट, मैंने बता रखा है भाई ओ ए माइनस ओ बी, तो जो बाद में आता है वो पहले रहता है, ठीक है। क्या आएगा, वेक्टर बी ए। देखो वेक्टर बी ए यदि आप निकालो तो जो पहले रहेगा वो बाद में आएगा, है ना, क्या आएगा। देखो जैसे यहाँ था ना, आप एक बात देखो, ए बाद में था तो पहले आया, सी पहले था बाद में आया, ठीक है। ऐसी आप यहाँ देखो, ए बाद में था तो पहले आ रहा था, यहाँ भी ए बाद में है तो पहले आएगा, और इस प्रकार जो बाद जो पहले है वो बाद में आएगा, ठीक है। तो आप देखो वेक्टर ओ ए वेक्टर ए है, वेक्टर ये था, ठीक है जी। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है वेक्टर बी ए के बराबर, ये आपको नोट नहीं करना, ये तो बस मैं वहीं कर रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा वेक्टर बी ए, ठीक है, ये कितना हो जाएगा वेक्टर बी ए, ठीक है, ये आपको नोट नहीं करना है ना, मैंने बता दिया समझाने के लिए, वहाँ भी करके दिखा दिया। बराबर किसके आया, जीरो के, ठीक है, क्योंकि बाद में आ रहा है तो पहले लिखा जाएगा, पहले आ रहा है तो बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। आप देखो वेक्टर ओ सी, वेक्टर ओ सी है ये वाला है ना, यानी सी एफ वाला, ठीक है। तो सी एफ जो है इससे सिद्ध होता है, सी एफ जो है इस बी ए पर कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से सिद्ध हो रहा है कि जो सी एफ है वो परपेंडिकुलर है इस बी ए पर, ठीक है। तो देखो जो बात हम मान के चले थे पहली दो ऊंचाइयों के लिए, पहली दो एल्टीट्यूड्स के लिए, कैसे मान के चले थे कि जो ए डी है वो बी सी पर कैसा है, परपेंडिकुलर, है ना, पहले के लिए मान के चले थे, ठीक है। दूसरे के लिए मान के चले कि जो बी है वो सी ए पर क्या है, परपेंडिकुलर। और यही गुण जो बाकी दोनों एल्टीट्यूड्स में है वो तीसरे में भी पाया गया, सिद्ध करके हमने दिखाया कि सी एफ जो है वो किस पर, बी ए पर कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो समान गुण वाले हुए नहीं, समान व्यवहार वाले हुए नहीं, इसे ही कंकरेंट कहते हैं, समवर्ती कहते हैं। तो इसका मतलब है तीनों ही एल्टीट्यूड्स कैसे हैं, समवर्ती हैं, कंकरेंट्स हैं, ठीक है। तो बस आप लिख देना, हैंस प्रूव्ड, समझ गए आप, ये थ्योरम थी आपकी, कार्रवाई से, ठीक है जी। तो आप इसे कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, कर लोगे ना। चलो तो आज के लेक्चर में इतने ही रखते हैं, दोनों थ्योरम आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो बाकी तीन थ्योरम बची हैं उन्हें भी हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ से आपको बुक वगैरह की पीडीएफ या जो भी है ना इन्फॉर्मेशन है या वीडियो क्लास का लिंक है वो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहिए, और जो भी अपने डाउट्स हों, अपनी क्वेरीज हों, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, व्हाट्सएप पर बता सकते हैं और टेलीग्राम पर भी बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।